been almost 10 months in Canada and it feel like कि जैसे मैं अभी एक हफ्ते पहले ही आया होता हूँ. हर दिन एक ऐसा दिन आता है कि जैसे मानो कि तुम्हारा एक और चीज नहीं आ गई और तुम्हें इसके बारे सीखना पड़ेगा, इसके बारे जानना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में ये अडेप्ट करना पड़ेगा. तो मैं कनाडा आया था, मुझे पता था कि एक स्ट्रगल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी एंड बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लगेंगी. कनाडा आके वो चीज़ें तो हैं ही हैं, बट जो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे घर को खुद से मैनेज करना, अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करना, चाहे बिस्तरों को तय मारना, चाहे अपने बर्तनों को वॉश करना, कुछ भी वो हो सकता है. एज अ ग्रोइंग किड बैक इन इंडिया, ये हमें इंडिया में बहुत कम ऐसा सिखाया जाता है कि हाँ तुम्हें अपने बर्तन भी मांजने हैं, तुम्हें अपना बिस्तर भी सेट करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर भी देते हैं इंडिया में तो, बट बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इंडिया में ना कभी हम करते हैं ना कभी उस चीज़ बारे सोचते भी कि हमने ये करना है. बट इन कैनेडा तुम्हें हर एक छोटी चीज़ खुद से करनी पड़ती है. मैं आज ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वाई नॉट की जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैनेडा में, वाई नॉट जो मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ खुद से डेली, वो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊँ. एंड जो भी कैनेडा आना चाहते हैं, जो भी एक इंडिया पे बैठे हैं, उनको अगर जानना है कि थोड़ा सा कि कैनेडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अपनी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और उनका उनके अंदर की फीलिंग क्या है. एंड उससे पहले तो मुझे बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे बोलूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करने में अच्छा लगता है. आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स या जितने भी सालों बाद जब मैं ये वीडियो देखूँ तो मुझे पता हो कि वेयर आई कम फ्रॉम एंड व्हाट आई डिड टू मेक दैट लाइफ व्हिच आई वांट टू लिव इन द फ्यूचर. 10 months in Canada and अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ हो चुका है. काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है मेरे अंदर भी, मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ. एंड मुझे पता है घर वाले मेरे देख रहे होंगे और वो पक्का हंस रहे होंगे इस चीज़ पे. सारी चीज़ों का ये ठहराव आया मेरी लाइफ में, मैं इस चीज़ों को कभी भी भूलूंगा नहीं. मैं हमेशा इस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली. एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जो खुद से स्क्रैच से शुरू कर रही है. तो फिलहाल आज मेरी जॉब से मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो भी बना लेते हैं. अब जब अच्छा लगता है ये यूट्यूब की वीडियोस बनाना और वहाँ पे पोस्ट करना और आपके सबके कमेंट आना, आप जब सब देखते हो तो वाई नॉट वो चीज़ को कंटिन्यू रखें एंड वीडियोस बनाते रहें. तो नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है, आज 1st November है, अक्टूबर भी एंड हो गया. इट्स बीन अ 10 months सिंस आई एम इन कैनेडा एंड इट फील्स प्रीटी गुड, फील्स प्रीटी रिस्पॉन्सिबल ग्रोइंग किड. And I don't know मैंने कौन सा वर्ड बोला, but I feel like I have to say. Edmonton, Calgary, Winnipeg वाली साइड पर बर्फ डल चुकी है, but अभी यहाँ पर बर्फ नहीं डली है, तो I feel lucky. फिलहाल अभी ठंडा मौसम तो हो चुका है, अभी टेम्परेचर 0 degree पर जा चुका है एक बारी, अभी माइनस में नहीं गया. I think कुछ दिनों में वो भी चला जाएगा. ऐसा सबके साथ होता है या मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को देखा कि जब वो कैनेडा में आते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो वेकेशन पे आए हैं, ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम वाली लाइफ में आ गया. मैं किसी चीज़ों को वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये गलत है, बट यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए. तुम्हें पता कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें बहुत पैसे लगा के तुम्हें कनाडा में भेजा है, उस चीज़ उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. यहाँ पे स्टार्ट सेविंग्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाली एक सिस्टम को भी बनाना चाहिए क्योंकि आगे जाके डिजिटल लाइफ होने वाली है एंड ऑफकोर्स तुम्हें वो आगे जाके बेनिफिट ही देंगे अगर तुम ऐसा करोगे. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग रैंडमली थिंग्स लाइक दिस, बट काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ें नोटिस की है तो मुझे लगा कि व्लॉग में बोलनी चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ. फिलहाल अपनी बाहर का माहौल दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है. यहाँ पे एक सिस्टम मुझे समझ नहीं आता, धूप भी बहुत पड़ रही होगी बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही होगी. बट यहाँ की ना मेरे को सबसे बात एक अच्छी लगती है, अभी ना फॉल का सीज़न चल रहा है और इतना बेस्ट सीज़न है ना, वाह मुझे ये बहुत सुंदर लगता है. ये देखो फॉल का सीज़न अभी चल रहा है इसलिए जो ये पत्तों के कलर है चेंज होते ही रहते हैं. अभी ये जैसे ये येलो है, लाइट येलो है, वो सामने अगर वो देख रहे होंगे वो ब्राउन कलर की है. मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं पता, अगर किसी को लग रहा होगा ये वो कलर नहीं है पर मुझे मेरे लिए तो वो ब्राउन ही लग रहा है. लाइक ए साइड अर्ली है कि अभी फॉल का सीज़न चल रहा है ना तो इतना अच्छा फील होता है ना कि क्योंकि मुझे इसलिए इतना अच्छा फील हो रहा है कि जब मैं कनाडा आया था ना तब ना बर्फ़ डल रही थी. मैं क्रिसमस वाले दिनों के आसपास आया था और तब मैंने पूरा वाइट वाइट देखा था. मैं तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कनाडा में तो, और ऊपर से जब दिन भी होता था ना तारे क्लाउड्स भी काले होते थे, सब कुछ काला होता था, तो आई फील कि यार ये तो मौसम ही इधर कैसा है. बट नहीं, फॉल का सीज़न बहुत प्यारा है. यहाँ देखो अच्छा लगता है, कहीं वो फॉल अच्छा लगता है, कहीं समर्स अच्छी लगती हैं, एंड कुछ ऐसा भी होता है जिनको विंटर्स भी अच्छी लगती है. मुझे यहाँ पे विंटर्स पसंद है
बट जब स्नो स्टॉर्म होते हैं और जब इतनी ज्यादा बर्फ डल रही होती है कि तुम्हारा खड़ने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी बाहर, कि तुम दो मिनट के लिए भी नहीं खड़ सकते, चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यार इतनी भी ज्यादा बर्फ क्यों। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया में शिमला में आ गया हूँ। सच बोलूँ तो मैं भी ऐसे बहुत दिनों बाद ऐसे निकला हूँ, क्योंकि जॉब के चक्कर में बस जॉब के लिए सुबह उठते हैं, शाम को घर पे आते हैं, तब इतना टाइम हो जाता है कि जल्दी सोना पड़ता है, 5-6 बजे उठना होता है, वैसे निकलने का टाइम बहुत कम मिलता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट। तो फिलहाल आज मेरी छुट्टी थी, आज मुझे कुछ भी नहीं करना था, आज मेरी जॉब से भी छुट्टी है, कॉलेज से भी। If you are also living in Canada and if you are watching my vlog somehow and feel like the same exact thing, so do let me in the comment section में जरूर बताना। साथ में grow करेंगे, साथ में सारी responsibility निभाएंगे and साथ में यहाँ grow करेंगे, साथ में यहाँ पे घूमने भी चलेंगे कहीं पे Canada में। And जिन लोगों को लग रहा है उनकी job नहीं लग रही है, तो they do one thing, first of all अपना LinkedIn पे बढ़िया सा एक अपना पेज बना लो, वहाँ पे अपनी सारी की सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दो कि तुमने क्या क्या किया पास में, कुछ भी नहीं किया तो अपनी स्किल्स बारे लिख दो, रिज्यूम में भी अपने ज़्यादा काम करो। एंड जब अपना रिज्यूम में बना लो कि तो अब देखो कि जो तुमने अपने रिज्यूम में बनाया वो सेल्स के लिए बनाया, मार्केटिंग के लिए बनाया, किस चीज़ के लिए बनाया, या जो तुम जॉब को अप्लाई करने जा रहे हो क्या वो रिज्यूम में उस चीज़ के लिए मैच करता है। जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो, हमेशा दी होती है, उस हिसाब से अपने रिज्यूम को चेंज करते रहा करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब लगने के। तो फिलहाल अभी घर में आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी कुछ बनाते हैं खाने को। वैसे मुझे इतनी कुकिंग करनी आती नहीं है, बट फिलहाल अभी मेरे पास चीज़ क्या है, एक्चुअली मैं बनाता हूँ फ्रोजन पराठे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलती है इसमें, जैसे ज़्यादा अच्छे आलू वाले लगते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी खासियत ये है कि तुमने बस इनको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करना होता है, थोड़ा सा ऐसे तवे पे तलना होता है मुझे, या देखो मुझे ना कुकिंग बारे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ भी बोलता हूँ ना समझ लिया करो कि थोड़ा तवे पे ऐसे सेकना होता है एंड तुम्हारे फ्रोजन पराठे तैयार। एंड इसके साथ बढ़िया सी चाय बनाते हैं, आ जाओ। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors.